8 साल का मासूम सा रोहित रात को रोते हुए अपनी दादी से बोला, दादी क्या मैं आपको तंग करता हूँ? क्या मैं गंदा हूँ जो आप मुझे छोड़कर दूसरी जगह जा रही हो? स्कूल से आने के बाद अब कौन मुझे घर में घुसते ही गले लगाएगा और प्यार से मुझको अपने हाथों से खाना खिलाएगा? रोहित दादी के गले लगते हुए बोला, बोलो ना दादी, आखिर आपने मम्मी पापा से दूसरी जगह जाने की बात क्यों कही? क्यों मानी आपने उनकी बात दादी? मना कर दो ना प्लीज पापा को, बोल दो आपको नहीं जाना उस ओल्ड एज होम में। सीता देवी की आंखों से अपने पोते की यह दशा देखकर आंसुओं के बड़े बड़े मोती गिरने लगे। सीता देवी यह समझ नहीं पा रही थी कि अपने इस अबोध बच्चे को वह यह कैसे समझाए कि वह अपने इस लाडले से एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। पर घर में रोज रोज हो रही किचकिच बेटे बहू में सुबह उठते ही उनके मुद्दे को लेकर कहा सुनी होने लगती। किसी न किसी बात को लेकर बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं। दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनको सीता देवी की जिम्मेदारी अपनी तरक्की में रुकावट लगने लगी। जब बेटा बोलता है अपनी बीवी से कि माँ का यह काम तुम कर दो, तो बीवी पलट कर बोलती है, मेरे ढेर ऑफिस के काम है, तुम्हारी माँ है, तुम करो। कभी कभी सीता देवी के जोड़ों में भयंकर दर्द उठ जाता, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उस भयंकर दर्द में सीता देवी को खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती। सीता देवी जब दर्द से तड़पने लगती, तब उनकी बहू कहती कि मेरे पास तुम्हारे किसी फालतू काम के लिए समय नहीं है। मैं कौन सा ऑफिस से फ्रेश होकर आती हूँ, मैं भी अच्छी खासी थकी हुई होती हूँ। सीता जी की बहू सोफे पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, इस आफत का हम क्या करें। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सुनो, हम माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ माँ की अच्छे से देखभाल हो जाएगी। और वैसे भी माँ का सारा दिन घर में अकेले ही बीतता, अपने जोड़ों के दर्द के कारण बाहर अपने हम उम्र के लोगों के पास भी नहीं बैठ पाती। वहाँ माँ को अच्छी देखभाल भी मिल जाएगी और अपने हम उम्र के लोगों के साथ खुशी भी, और हमारे सर से माँ की जिम्मेदारी का यह बोझ भी कम हो जाएगा। ऑफिस का काम मन लगा कर करेंगे और देखना फिर थोड़े ही दिन में हम अपनी पोस्ट भी बढ़ा लेंगे। सीता देवी ने देखा, बहू की बात सुनकर उसके बेटे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सीता देवी जान चुकी थी अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं। वे अपने बेटे और बहू की तरक्की का रास्ता रोके बैठी हैं। बेटा बहू कुछ बोलते इससे पहले ही सीता देवी ने उनके पास जाकर बोला, अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं तो खुद तुम लोगों से यह बात करने वाली थी। मेरी सहेली भी वहां रहती है और वह बता रही थी वह बहुत खुश है, अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मुझे ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर सीता देवी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे में आ गई। उधर बेटा बहू खुश हो रहे थे कि चलो माँ भी यही चाहती है। इस सच से अनजान की माँ ने यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर लिया है उनकी खुशी के लिए। वह तो न अपने पोते से और न ही अपने बेटे बहू से एक मिनट के लिए दूर होना चाहती थी, पर हालातों ने उनको यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बोलो ना दादी, आप मेरे बिना रह लेंगी क्या? रोहित की बात सुनकर दादी अपनी सोच से बाहर निकली। रोहित ने रो रो कर अपनी दोनों आंखें लाल कर ली। सीता देवी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। रोहित अपनी दादी को कट्टी बोलकर अपने कमरे में चला गया। जब सुबह हुई तो रोहित ने देखा दादी तैयार हो चुकी थी और पापा मम्मी को बार बार बोल रहे थे, अरे प्रिया, माँ का बैग अच्छे से पैक कर देना, देखना कोई जरूरी सामान ना छूटे, हर सामान को अच्छे से चेक कर लेना, माँ को वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बैग पैक कर रिया ने साइड में रख दिया। रोहित उस बैग को खोलने लगता है और उसका सारा सामान बाहर निकालने लगता है और एक पेपर पेन से उस बैग में जो जो सामान रखा हुआ था उसकी लिस्ट बनाने लगता है। उसको ऐसा करते देख उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सारा सामान फैला दिया, क्या तरीका है यह? रोहित बोला, मम्मा पापा, पता है मैं हर चीज लिख कर अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे, जो ओल्ड एज होम जाने के टाइम पर साथ में पैक किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा कल आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं ऑफिस जाऊंगा और मेरी बीवी भी ऑफिस जाएगी, मेरे पास आपके काम करने का टाइम नहीं होगा, तो हम दोनों आपको जब ओल्ड एज होम लेकर जाएंगे तो यह सारा सामान उस बैग में पैक कर दें।
मुझसे कोई गलती ना हो इसलिए आपसे सीख रहा हूँ। यह लिस्ट मैं मेरे पास रख रहा हूँ ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आता है, आपके भी धीरे धीरे आ रहा है। रोहित के मम्मी पापा के मुंह पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया था। जड़ सी होकर वह एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हाथ पांव में कपकपी सी होने लगी। दोनों धम से सोफे पर बैठ गए और सीता देवी को टकटकी लगाकर देखने लगे। दोनों को सीता देवी की जगह अपनी जगह दिखाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रोहित से सामान का बैग लेकर उनको माँ की अलमारी में अंदर उनके रूम में रखने चले गए। दोनों को समझ आ गया था कि अगर आज यह सामान का बैग यहाँ से निकल गया तो समझो एक दिन उनका बैग भी ऐसे ही तैयार होकर उनके साथ निकल जाएगा। रोहित अपनी दादी के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए बोला, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में नहीं अपने खुद के घर में अपनों के बीच में सबसे खुश रहते हैं। दादी, आपका बोला गया झूठ आपकी रोती हुई आंखों से मैंने जान लिया था। अपने पोते को कसकर गले से लगा लिया, सच कहा था उसके पोते ने। सीता देवी ओल्ड एज होम चली तो ज़रूर जाती, पर उसकी सासें तो इसी घर में रहती। उधर रोहित के मम्मी पापा माँ की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों साथ में मिलकर करने की बातें बड़े प्यार से कर रहे थे। अब सब कुछ सही हो गया था। कभी भी जवानी की ताकत में यह मत भूलिए कि आप बुढ़ापे से बचेंगे नहीं, आप बुढ़ापे से बचे रहेंगे या आप बूढ़े नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको यह लघु भावुक कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।